वेल वेल वेल, मैं हूं पूजा मेहता और यहां मेरे इस चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। क्लास 12th अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर का मैं वन शॉट रिवीजन करा रही हूं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, कहीं भी आपको जाकर रिवीजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सारे फॉर्मूलाज मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। तो आप यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? तो देखिए, मीनिंग ऑफ गुडविल समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि किस तरह से गुडविल का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसी भी बिजनेस में। गुडविल, जैसा कि हम क्लास 11th में भी पढ़ा था हमने, कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो एंटरप्राइजेस को, बिजनेस को क्या करती है, एडवांटेज देती है, ताकि वो हायर प्रॉफिट को अर्न कर सके और उसको एक्स्ट्रा एफर्ट भी थोड़ी सी कम लगानी पड़े, ठीक है ना। गुडविल के थ्रू कोई भी एंटरप्राइजेस हायर प्रॉफिट अर्न कर लेता है। जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे रेमंड के क्लॉथ्स हैं, हम जब क्लॉथ लेने जाते हैं तो हम नॉर्मल क्लॉथ की जगह जब हम रेमंड ब्रांड सुन लेते हैं तो हम उसके कपड़े खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतने सालों में अपनी गुडविल बना के रखी है और उस गुडविल को देखते हुए हम वो कपड़े खरीद लेते हैं। इसी तरह कोलगेट पेस्ट का भी हम टूथपेस्ट जो है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हमारा हाथ हमेशा कोलगेट की तरफ ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल बना के रखी है। तो यहां पर यही बताया गया है कि जो गुडविल है, गुडविल क्या है, ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो एंटरप्राइजेस को एडवांटेज देती है। इसकी एक डेफिनेशन दी है किसने, पेगलर ने, स्पाइसर एंड पेगलर ने। यदि आप इस तरीके की डेफिनेशन, यदि क्वेश्चन में गुडविल का डेफिनेशन पूछ दिया गया और यदि आप उसमें इस तरीके की डेफिनेशन लिख देंगे किसी भी ऑथर के नाम से, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं गुडविल के। क्या बताया गया है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताया गया है कि इट इज़ अ इनटेंजिबल एसेट्स जो दिखती नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। ये हमें कहीं दिखाई नहीं देगी। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, ये दिखाई देती है, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो कभी दिखाई नहीं देती है लेकिन इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद क्या है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट द एंटरप्राइजेज। नॉर्मली इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस सोल्ड। जब कोई बिजनेस सोल्ड होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ इसकी वैल्यू भी सोल्ड होती है। जैसे हमने कोई बिजनेस खरीदा, हमने सपोज रेमंड अपना बिजनेस बेच रही है, उसका हमने बिजनेस खरीदा, तो हम सिर्फ उसका बिजनेस नहीं खरीद रहे, हम उसका नाम भी खरीद रहे हैं। तो वही चीज बता रहे हैं कि जब बिजनेस बिकता है तो उसका नाम भी बिकता है। इट हेल्प टू अर्निंग हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इट इज एन द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन द कस्टमर मोर फ्रिक्वेंटली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। ये अट्रैक्ट करती है कि आइए हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, गुडविल की वैल्यू, जैसे हम कुल्लू मनाली घूमने गए तो वहाँ पे जो शॉल बनती है या जो स्वेटर्स होते हैं वहाँ के बहुत फेमस होते हैं, जब यहाँ पर वो आकर बिकते हैं तो हम कहते हैं वाह ये तो कुल्लू की शॉल है, ये तो मनाली का सामान है। तो लोकल एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, इट्स डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है ना। मतलब जो वैल्यूएबल, इसकी जितनी वैल्यू लगाएगा उस पर डिपेंड करता है कि इसकी कितनी वैल्यू लगनी है। यदि ब्रांड कम वैल्यूएबल है तो उसकी कम कीमत लगेगी, यदि ज़्यादा वैल्यूएबल है तो उसकी ज़्यादा कीमत लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इन द कॉन्स्टेंट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ अ वैल्यू ऑफ शेयर टू प्रॉफिट सेक्रीफाइस द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, ठीक है। यदि जैसा कि अभी हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ ही चुके हैं, यदि कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वो अपनी गुडविल तो छोड़ के जा ही रहा है ना, क्योंकि उसका फर्म से नाम जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू लेगा किससे, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनसे, कि भैया मैं तुम्हारी फर्म छोड़ के जा रहा हूँ पर मेरा नाम तुम्हारी फर्म से जुड़ा हुआ है तो तुम मुझे गुडविल की वैल्यू दो, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है,
फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है ना। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है इफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट किस तरीके से अपने काम को करके उस गुडविल को मेंटेन कर रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा होता है फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कुल्लू मनाली गए, वहाँ की शॉल बड़ी फेमस है, तो हम वहाँ की लोकेशन के कारण हमने क्या किया, वो शॉल को खरीद लिया। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है, नॉर्मली पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स। अ फर्म विच पोसेस द नेसेसरी पेटेंट विल हैव बेटर वैल्यू ऑफ द गुडविल। यदि आपने पेटेंट लिया है तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी पर भी गुडविल डिपेंड करती है। जैसे आप देखिए एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, उनमें सेफ्टी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनकी क्वालिटी के कारण उनकी गुडविल बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन, ठीक है ना। इट इज अ फर्म इन अ बिजनेस वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन द सप्लाई, इट विल द लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, हायर प्रॉफिट, इट विल थस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे आईफोन अपना फोन लॉन्च करती है 15, लेकिन उसके आने से पहले ही लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पर से सप्लाई कम हो रही है, तो क्या होता है ना, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो अपने आप गुडविल इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हमारा आगे क्या कह रहा है, ये आगे देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दो तरीके से गुडविल क्लासिफाई होती है, जिसे आपको ध्यान से समझना है। क्लासिफाई कैसे होती है, दो तरीके से। पहली मेरी होती है परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल क्या होती है, परचेज्ड गुडविल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई बिजनेस को खरीद रहे हैं, ठीक है, समझना ये बात को ध्यान से। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन अ कैश और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ उस एग्जाम्पल को पढ़ने की जगह। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं तो हम उस बिजनेस को, सिर्फ बिजनेस को ही नहीं खरीद रहे हैं, उसके नाम को भी खरीद रहे हैं, उसकी गुडविल को भी खरीद रहे हैं। तो उसके पास गुडविल थी जिसके पास पहले बिजनेस था, जब हमने खरीद ली तो हमारे पास आ गया। तो ये जो हमारे पास गुडविल आई है ये हमने खुद से नहीं बनाई है, ये हमारी परचेज गुडविल है। तो इस गुडविल को क्या कहेंगे, परचेज गुडविल। क्या कहेंगे, परचेज गुडविल। इसके बाद क्या होती है ना, इसके फीचर्स दिए हुए हैं, वही चीजें दी हैं। इट नॉर्मली अराइज थ्रू द परचेज ऑफ अ बिजनेस, सीन्स द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट मे बी रिकोगनाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये गुडविल को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना पड़ता है। इट इज़ अ रिकोगनाइज, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ एसेट्स, ठीक है ना। कहाँ पे दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में एसेट्स की तरह दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा वही चीज़, इसमें बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा इसको। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज सब्जेक्टिव, इट इज अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, जैसे जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, उनको उन पर क्या होता है, उन पर डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि उनकी वैल्यू कम होती जाती है। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे गुडविल हुई, उन पर क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, क्योंकि उनकी वैल्यू भी कभी ना कभी कम होती ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरी जो बता रहे हैं हमें, ये हमारी, सॉरी, दूसरी जो है ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ऐसी गुडविल जो हमारे खुद के द्वारा बनाई गई है। जैसे आप MDH मसालों के नाम सुनते हैं, MDH मसाले वालों ने पहले बहुत छोटे तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अपना नाम बनाया, मार्केट में वो दादाजी का ऐड आता है ना, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई। तो इन लोगों ने जो गुडविल बनाई है ना, ये इनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, खुद के द्वारा बनाई गई गुडविल है। तो इस गुडविल का कैलकुलेशन भी हमें उसी तरीके से होता है, इसी तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें भी फेवरेबल लोकेशन काम आती है, इफ़िशेंट मैनेजमेंट काम आता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि दादाजी ने बिजनेस चालू किया था, वो अच्छे से काम करते थे, बाद वाली जनरेशन में उसमें ध्यान नहीं दिया, फिर भी गुडविल काम कर रही है, नहीं,
यदि बाद वाली जनरेशन भी उस पर काम करती है तो गुडविल इंक्रीज होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, वही चीज़ इसमें इसके फीचर्स भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। फीचर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज़ अ वही चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यदि कोई चीज़ है तो वो क्या है, वो चीज़ है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल चैप्टर में यहाँ पर इस मेथड को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेथड जो होती है गुडविल की, ठीक है ना। अब ये क्यों की जाती है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर एंड द यूजली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ द वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेट इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में जिस तरीके से वैल्यूएशन लिखा है उस तरीके से वैल्यूएशन होगा। वैसे जो होती है मेथड, ये देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इस तरीके से तीन तरीके से मेथड होती है। पहली होती है कौन सी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें ये दो मेथड इंक्लूड होती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड होती है, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड होती है वेटेज प्रॉफिट मेथड, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से तीन होती है, एक दो तीन, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कौन कौन सी मेथड होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है वो दो तरीके की होती है, मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है ना, ये लिखी हुई है, ठीक है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जो मेन जो फॉर्मूला होता है वही चीज़ फॉर्मूले को थ्योरिटिकल फॉर्म में लिखी है। जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है जिससे आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है ना, यही लिखा है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या फॉर्मूला है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, लेकिन जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है इसे आपको निकालना है। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में दो चीज़ें इंक्लूड है, एवरेज और नॉर्मल, तो आपको पहले निकालना है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर यही स्टेप लिखी है कि आपको ये सब चीज़ें निकालना ही कैसी है। सबसे पहले निकालना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने बताया ना एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में सबसे पहले मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखो हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम जब कोई परचेज कर रहे हैं किसी बिजनेस को या हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट को देखते हैं ना 4-5 साल के प्रॉफिट को देखते हैं, और फिर उस प्रॉफिट के साथ साथ उसकी गुडविल को भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट है वो नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे मैडम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा सपोज 2020 का मुझे प्रॉफिट निकालना है, किसका प्रॉफिट निकालना है मुझे, 2020 का मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी बच्चों, सबसे पहले सपोज करती हूँ मेरा 2020 का प्रॉफिट था 50 लाख, ठीक है ना। एक हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा 2020 का जो प्रॉफिट था वो 50 लाख था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 2020 के प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो मेरे एबनॉर्मल लॉसेज हैं उसे ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट निकला था ये सब लॉस को माइनस करने के बाद। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें, इन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जैसे आग लग गई थी या चोरी हो गई थी, एबनॉर्मली हुआ ना, ये हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभी होता है, अभी तो हो गया, होना नहीं चाहिए था। दूसरा क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसी कोई एसेट्स थी जिसे हमने सेल किया और उससे हमें लॉस हो गया था, उसे भी हमें प्रॉफिट में से माइनस करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इन्हें नोट करते जाइए। इन्हें भी मुझे क्या करना है ऐड करना है। उसके बाद क्या ऐड करना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या ऐड करना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इसे भी मुझे ऐड करना है। यदि क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे परचेज्ड ऑन मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड, तो इन सबको मुझे क्या कर देना है बच्चों, इन सबको मुझे प्रॉफिट में ऐड कर देना है, और लेस क्या करना है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन, जैसे गेन हो गया, हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची उससे हमें गेन हो गया, तो वो तो हमने प्रॉफिट में लिख लिया है, लेकिन वो हर साल नहीं होता है,
कभी कभी होता है, तो हमें क्या कर देना है, उसको हमें लेस कर देना है। उसके बाद यदि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया हुआ है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया है तो उसको भी मुझे क्या करना है, लेस कर देना है। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम, उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमने किए थे, इसमें नॉन रिकरिंग इनकम है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन सबको मुझे क्या कर देना है, इन सबको मुझे लेस कर देना है। और उनको लेस करने के बाद क्या निकलेगा मेरा, यहाँ पर मेरा निकल जाएगा, उनको लेस करने के बाद मेरा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये किस में निकलेगा, स्टेप वन में, ठीक है ना, स्टेप वन में। अब आ जाएगी स्टेप टू, ये आ गई मेरी स्टेप टू, दिख रही है। अब स्टेप टू में क्या निकालूंगी मैं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, हमने उसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, टोटल ऑफ द प्रॉफिट, पिछले चार पांच सालों के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, उनका टोटल कर देना है। और जितने, जैसे सपोज पांच सालों के प्रॉफिट दिए हैं, तो वो प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के उसमें उसे ऐड कर देना है। और जितने ईयर हैं, सपोज पांच सालों के दिए हैं, तो मुझे डिवाइडेड बाय फाइव करना है, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन नंबर ऑफ द ईयर, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ द ईयर ये क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपको फिर क्या करना है, सिंपल अप्लाई कर देना है फॉर्मूला में, क्या अप्लाई कर देना है, देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला था स्टेप टू के अकॉर्डिंग, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इसे हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी कहेंगे, ठीक है ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था किसके लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तभी तो हमने उन सबको ऐड करके डिवाइडेड किया था। अब यहाँ पर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, तो यही इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये दिए हैं चार पांच सालों के, देखो 15,000, 11,000, 18,000, 16,000, चार सालों के क्या दिए हैं हमारे पास, पिछले साल के प्रॉफिट दिए हैं, और हमें क्या करना है, उनको डिवाइडेड बाय फोर करना है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यदि ये 15,000 में इंक्लूड होता, यहाँ पे लिखा होता कि इस 15,000 में एबनॉर्मल लॉस है, तो हम क्या करते, इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते, ठीक है ना, एबनॉर्मल गेन होता तो हम माइनस कर देते, तो इस तरीके से हमें ये इस प्रॉफिट को सही करना होता, उसके बाद उन सबको प्लस करते और डिवाइडेड बाय फोर करते, तो ये मेरा क्या निकल जाता, ये मेरा निकल जाता 15,000, और उसके वो 15,000 को इंटू थ्री कर देती मैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री ईयर का, और वो आ जाता 45,000, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वाला क्या था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये पूरा जो थ्योरिटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका एक पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखिए ये दिया है, ठीक है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का ये फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसकी स्टेप भी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ स्टेप वन से लेके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल भी दिया है मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है उनके हिसाब से। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम जो वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करके आखिरी में जो मेन फॉर्मूला है उसे लगा देंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे पांच साल का क्या दिया हुआ है, देखिए पांच साल का दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, 31 मार्च 2018 का था 40,000, फिर 48,000, फिर 60,000, फिर 58,000, फिर 36,000। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए इसमें अभी ये सब मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट ही दिए हुए हैं, अभी इसमें मुझे किसी तरह का माइनस या प्लस नहीं करना है लॉस को या उसको। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए ये सारे मैंने प्रॉफिट लिख लिए, ईयर एंडेड प्रॉफिट वेट, है ना, मतलब इसको मैंने ए बी सी दे दिया है। यहाँ पर 40,000 प्रॉफिट है, वेट दे दिया पहले वाले को 1, मतलब 2018 वाले को 1 दे दिया, फिर 2019 वाले को 2 दे दिया, 20 वाले को 3 दे दिया, 21 वाले को 4 दे दिया, और 22 वाले को 5 दे दिया। इनका हमने क्या किया, इनटू कर दिया, क्या करा इनका बच्चों, हमने इनका हमने इनटू कर दिया, ठीक है, इनका इनटू कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया
जब हमने इनका इंटू करा तो वो फिर प्लस करा तो हमारे पास आया 696000 और उसके बाद मुझे ये फॉर्मूला पुट करना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का। कौन सा फॉर्मूला पुट करना है? वेटेज एवरेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का। टोटल वेट कितना आया? 696000। 15 कैसे आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 15 जो मेरा आया है वो इन सबको प्लस करने पे आया है ना, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 ठीक है ना। ये मेरा किस को प्लस करने पे आया है, यहाँ पे मेरा 15 आया है, क्लियर। तो अब ये 15 को मैंने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है और फिर इंटू कर देना है। 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए ही हुए हैं, क्लियर। अब इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कह रही है? सुपर प्रॉफिट मेथड ये कह रही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पहले सुपर प्रॉफिट का मेथड फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या सबसे पहले मुझे चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। देखो हम नंबर वन से समझते हैं, सबसे पहले क्या करना रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए हमेशा सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख दिया है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब जो लॉस हैं एबनॉर्मल, जो प्रॉफिट हैं एबनॉर्मल, उनका एडजस्टमेंट करेंगे और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। जब ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा, इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, इसके बाद मुझे निकालना रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले को लगा के क्या मैं निकाल दूंगी नॉर्मल प्रॉफिट, और जैसे ही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा तो मैं फिर क्या निकाल दूंगी बच्चों, मैं निकाल दूंगी सुपर प्रॉफिट। तो मैंने जो स्टार्टिंग में एवरेज प्रॉफिट निकाला था, ठीक है इसको कंफ्यूज मत होना, जो स्टार्टिंग में मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसमें से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा तो मेरा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट, और आखिरी में ये जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसका मैं कैलकुलेशन करूंगी। थोड़ी सी ट्रिकी है यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालने की, क्योंकि उसमें कुछ भी डिवाइडेड नहीं है, अकेला सुपर प्रॉफिट है, बट आप मेरे साथ नोट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये डिफरेंसेस दिए हैं एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में, जिसे आप पॉज करके नोट कर लेना या मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। दो मेथड होती है, कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये थ्योरी में लिखा है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर द कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द इस मेथड ये स्टेप्स फॉलो होगी। सबसे पहले तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? सबसे पहले निकलेगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा, इससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। उसके बाद थर्ड वाला क्या रहेगा, यहाँ पर थर्ड मुझे निकालना रहेगा नेट एसेट्स को। तो नेट एसेट्स निकालने का भी फॉर्मूला है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और फिर मुझे इन्हें फॉर्मूले में पुट कर देना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो हमने स्टेप टू में निकाला था वो माइनस नेट एसेट्स, ठीक है ना। यहाँ पर यही एक ऐसा कैपिटलाइज्ड एवरेज मेथड ही एक ऐसी मेथड है जिसमें माइनस होता है, ठीक है ना। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस करके निकलती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलेगी, नेट एसेट्स निकलेगी जितनी भी एसेट्स है उसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करके। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकलेगी ये फॉर्मूले से, एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नोट कर लिया ना आपने मेरे साथ। चलिए अब ये लास्ट है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कैपिटलाइज्ड मेथड भी है और सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, तो इसका भी स्टेप फॉलो करने रहेंगे हमको कुछ। क्या स्टेप है? पहला जो स्टेप रहेगा, सबसे पहले यहां पर भी क्या होगा बच्चों, यहां पर भी सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब उसके लिए क्या होगा, जितनी भी हमारी
कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें नेट एसेट्स निकालनी होगी, ऑल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें दोनों चीज़ें करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड की भी चीज़ें करनी है और कैपिटलाइज्ड मेथड की भी करनी है। तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद आएगी थर्ड स्टेप, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट हो जाता है। और फिर क्या होने वाला है, फिर ये फॉर्मूला लगने वाला है। क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के में दोनों चीजें मिक्स होती हैं। फॉर्मूलाज आप सबके नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि किस कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूछ रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का पूछ रहे हैं, या कैपिटलाइज मेथड का पूछ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वन शॉट वीडियोस देखना चाहते हैं और यदि उसके नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।